मच्छेंद्र पाल का जीवन साहस का पर्याय है। इन्हें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बछेंद्री का जन्म सन 1954 में गढ़वाल में उत्तरकाशी के निकट एक छोटे से पहाड़ी गांव नाकुरी में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माँ हंसोदेव नेगी के संतानों में बछेंद्री तीसरे संतान है। उसके माता पिता कठोर परिश्रम करने वाले और अपने आप में संतुष्ट रहने वाले लोग थे। पिता ने ही बछेंद्री को सिखाया कि किस प्रकार आत्मसम्मान और मर्यादा बनाकर रहना चाहिए। बछेंद्री बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी। बछेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बछेंद्री उसके साथ पहाड़ पर जाना चाहती तो उसे डांट कर मना कर दिया जाता। इससे बछेंद्री का मनोबल बढ़ता गया और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई। बछेंद्री ने निश्चय कर लिया कि वह भी वही करेगी जो लड़के करते हैं। वह भी किसी से पीछे नहीं रहेगी, बल्कि उनसे बेहतर करके दिखाएगी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में बाहरी भ्रमण और खेल कूद में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। उसने कई पुरस्कार जीते और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। बछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 8वीं पास करने के बाद पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बछेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। एक शिक्षित बेरोजगार की स्थिति बछेंद्र के लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उसने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण का आरंभिक प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस प्रशिक्षण में वह अपने प्रदर्शन से स्वयं दंग थी। उप प्रधानाचार्य कर्नल प्रेमचंद ने दावे के साथ उसे एवरेस्ट के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया। वह इस चुनाव के बाद चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए नियमित अभ्यास में लगी रही। वह जानबूझकर शिलाखंड या खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती और साथ ले गए पत्थरों को ऊपर ही छोड़ देती और घास का बोझा लेकर चली आती। यह कठिन अभ्यास करना उसके लिए आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ। 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उत्तरकाशी आए। वे एक पर्वतारोहण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। उन्होंने बछेंद्री का चुनाव भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचर क्लब के लिए कर लिया। यह संगठन प्रशिक्षण देने के साथ साथ प्रशिक्षु लड़कियों की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान भी करता था। जमशेदपुर से 13 लड़कियों का पहला दल आया। दूसरा दल मेघालय का था, जिसमें शिलांग की 15 उत्साही लड़कियां थी। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 स्थानीय लड़कियों को छात्रवृत्ति देकर रखा गया। बछेंद्री को कार्यक्रम की निदेशिका और विजया पंत को उप निदेशिका नियुक्त किया गया। इससे बछेंद्री में उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा। उसे बेहद संतुष्टि और उपलब्धि की अनुभूति हुई। सन 1984 में आयोजित भारतीय एवरेस्ट अभियान में यह पहला पुरुष महिला अभियान था। इस दल में 7 महिलाएं थी। अन्य सदस्यों की तुलना में बछेंद्री का यह पहला बड़ा अभियान था। शेष अधिक अभ्यस्त पर्वतारोही थी। एवरेस्ट ने सचमुच उसकी दक्षता और दृढ़ता की अग्नि परीक्षा ली। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बछेंद्री
कैंप चार के रंग बिरंगे नालन के तंबू में थी। लोत्से के हिमाच्छादित खड़ी ढाल पर टिकी हुई लोपसांग सेरी भी उसके तंबू में थी। बछेंद्री गहरे नींद सो रही थी कि रात्रि 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और कोई ठोस चीज उसके सिर से आ टकराई। वह हड़बड़ाकर उठ गई। उसे लगा कि कोई ठंडा बहुत भारी पदार्थ उसके शरीर पर रेंग रहा है और वह दबी जा रही है। वह बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रही थी। यह क्या हो गया था? बछेंद्री के कैंप के ऊपर लोत्से हिमनद की एक लंबी बर्फीली चोटी फट गई थी। यह एक भयानक हिमस्खलन था। इससे सारा कैंप तहस नहस हो गया। बस चमत्कार यह हुआ कि कोई मरा नहीं। लोपसांग अपने चाकू से तंबू फाड़कर निकलने में सफल रहा। उसी ने कठोर बर्फ को खोद डाला और बछेंद्री को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। इस दुर्घटना से निपटने के बाद बछेंद्री का आत्मविश्वास और बढ़ गया। पुनर्गठित शिखर अभियान दल 22 मई को दक्षिण कोल के लिए रवाना हो गया। शिखर दल में बछेंद्री एकमात्र महिला थी। नायक ने अभियान का सारा दारोमदार बछेंद्री पर ही छोड़ दिया। वह इसमें अपना सब कुछ झोंक देना चाहती थी। सबसे पहले वो दक्षिण कोल पहुंची। 18,000 फुट की ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भूतल की तुलना में आधी रह जाती है। इतनी ऊंचाई पर शरीर का क्षय तेजी से होता है। यहाँ बर्फीली हवा जो कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है झेलनी पड़ती है। आगे की चढ़ाई हेतु बछेंद्री अपनी विशेष पोशाक पहन लेने के बाद सुबह 5:30 बजे तंबू से बाहर आई। शेरपा सरदार आंग दोरजी बाहर खड़ा था। बर्फ के सख्त सतह में कैंप्रून बर्फ पर चलने के लिए धातु से बनी नुकीली प्लेट के अगले दांतों को धसाने के लिए उसे बहुत जोर से वार करना पड़ता था। 2 घंटे से पहले ही वे शिखर कैंप पहुंच गए। चाकू की धार के समान चोटी पर सीधा खड़ा रहना हड्डियों में सेहरन पैदा करने वाली बात थी। बछेंद्री का लक्ष्य नजदीक था। 23 मई 1984 को 1:07 बजे दिन में बछेंद्री एवरेस्ट शिखर पर खड़ी थी। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर की खास नुकीली चोटी पर सट कर भी तो लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बछेंद्री ने बर्फ पर अपनी कुल्हाड़ियां धंसाकर सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित किया। उसके बाद वह घुटने तक बर्फ में धंस गई और बर्फ पर माथा टेक कर सागर माथा के मुकुट को छू लिया। उसी अवस्था में उसने माँ दुर्गा की मूर्ति और हनुमान चालीसा निकाला और छोटी प्रार्थना के बाद दोनों को बर्फ में स्थापित कर दिया। खुशी की उस घड़ी में उसका मन अपने माता पिता की ओर चला गया, जिन्होंने उसे संघर्ष और कठिन परिश्रम की महत्ता का पाठ पढ़ाया था। इसके बाद वो आंग दोरजी के सम्मान में नतमस्तक हुई। उस समय तक 4 लोगों द्वारा एवरेस्ट विजय की खबर अभियान दल के प्रमुख को मिल चुकी थी। कर्नल खुल्लर इससे बहुत खुश थे। उन्होंने बछेंद्री को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अद्भुत सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और जब वो वापस पहुंचेगी तो उसकी
दुनिया ही बदल गई होगी। शिखर पर नेपाल, भारत और सेवन सिस्टर्स के झंडे फहरा दिए गए और तस्वीरें भी ली गई। बछेंद्र और उसके साथी शिखर पर 43 मिनट तक रहे। बछेंद्र ने चोटी के समीप एक स्थान से पत्थर के कुछ नमूने उठा लिए। इस एवरेस्ट विजय पर स्वागत समारोह की औपचारिकताएं शुरू हो गई। बछेंद्र की एवरेस्ट विजय अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक घटना थी। टाटा स्टील कंपनी ने बछेंद्र को हर प्रकार से सक्षम बनाया। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने भी उनकी हर संभव सहायता की। अब बछेंद्र पाल महिलाओं के लिए पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन के दायित्व का निर्वाह कर रही है। बछेंद्र ने अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। पर्याप्त साधनों के ना होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। साहस, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कार्य संभव हो जाते हैं।